इस सैंपल पेपर की आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने किस तरीके से आप लोगों के लिए के पैरों के नीचे जमीन खिसका दी है नए सैंपल पेपर दे करके, या फिर मैं कहूं नए प्रैक्टिस पेपर दे करके। और आप लोग इस बात को समझ लीजिए, जो सीबीएसई अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर क्वेश्चन बैंक देती है, उसी लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम में पूछती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि ये सैंपल पेपर का पीडीएफ बच्चों आप लोगों को मिल जाए, तो आई डोंट नो कितने बच्चों को वेबसाइट से मिला है नहीं मिला है, लेकिन इसका पीडीएफ जो है हम लोगों ने हमारी कैल्विन लाइव ऐप पे डाल दिया। और इसी के साथ हम लोगों ने भी आप लोगों के लिए सैंपल पेपर बनाया है बच्चों इंग्लिश का। अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश का ये वाला सैंपल पेपर और जो हमने बनाया वो भी आपको मिल जाए, दो सैंपल पेपर वो भी विद सोल्यूशन, तो आप लोग बच्चों अभी के अभी कैल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हो ये जो मैथ्स वाला जो सैंपल पेपर था वो भी आप लोगों को मिल जाए, एसएसटी का भी मिल जाए और साइंस का भी मिल जाए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दे रखा है बच्चों, आप लोग सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और दूसरी बात, सारे चैप्टर्स के अगर आप लोगों को वन शॉट चाहिए और उनका पीडीएफ भी चाहिए और मैथ्स एंड साइंस में पिछले 10 सालों के क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी आप लोग डाउनलोड करके हमारी ऐप से ले सकते हैं। और बच्चों मैं बिल्कुल इस तरीके, मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में थोड़ा सा तो ये हुआ है कि लेवल बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर आप इन लेवल को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग डेली आप लोगों के लिए लाइव कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स का। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे उस लाइव में जरूर आएं। ये पीडीएफ आपको अपडेट देने के लिए मैंने बनाई थी, बताई थी वीडियो की, आपको इसकी पीडीएफ कहाँ पर कलेक्टिव वे में आराम से मिल जाएगी, ऐप के अंदर जाना और निकाल लेना। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बच्चों ध्यान रखें।